आईने कल्ब का जंग उतर जाए, स्याही उतर जाए, तज़किया नफ्स हो जाए, कल्ब का तस्विया हो जाए, बातिन में तजल्लियात का वरूद शुरू हो जाए, ये काम फकत इरादत से नहीं, ये रियाजत के साथ होते हैं। इरादत को, फिर सोहबत को, फिर रियाजत को, तीनों चीजों को जोड़ा जाता है। स्कूल के बच्चे हैं आप, छठी सातवीं आठवीं, इरादा कर लें कि मैं मैट्रिक कर लूं और मैट्रिक का कोर्स न पढ़ें और जाके इम्तिहान न दें, तो इरादा कर लेने से मैट्रिक हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंसेस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इरादा कर लें और तस्बीह पकड़ लें, वजीफा करना शुरू कर दें कि बारी ताला मुझे बैचलर डिग्री दे दे, फर्स्ट डिवीजन में पास कर दें, ना क्लास में जाएं, ना उस्ताद से पढ़ें, ना नोट्स बनाएं, ना घर में होमवर्क करें, ना असाइनमेंट करें, ना मेहनत करें, ना जाके इम्तिहान दें, ना इम्तिहान पास करें, तो डिग्री घर बैठे आ जाएगी। खाली किसी उस्ताद से मोहब्बत करने से डिग्री बैचलर की मिल जाएगी? ऐसे बैठे बैठाए मास्टर्स हो जाएंगे, पीएचडी हो जाएंगे। जब तक पीएचडी करने के सारे तकाजे पूरे न करें, आपके घर पीएचडी की डिग्री आ जाएगी। ड्राइवर बन जाएंगे, सीट पर बैठकर ड्राइविंग सीखे बगैर आप तो भाई एक टांगे के कोचवान नहीं बन सकते, कोचवान बैठकर सीखे बगैर, पहलवान नहीं बन सकते अखाड़े में अपने कान और बाजू टांगे तुड़वाए बगैर, मार खाए बगैर। पहलवानी नहीं आती, कश्ती रानी नहीं आती, तैरना नहीं आता भाई। कोई भी फन और हुनर सीखने के लिए आपको अमलन उसके अंदर जाकर मेहनत और रियाजत करनी पड़ती है। किसी दुकान पे खड़ा होकर सैकड़ों हजारों लोगों की हजामत नहीं की, आप हजाम नहीं बन सकते, तो रियाजत के बगैर आशिक व आरिफ कैसे बनेंगे? क्या यही एक काम रह गया है कि जो मश्क किए बगैर और दरिया में छलांग लगाकर तैराकी के बगैर आशिक व आरिफ बन जाए? अरे प्याले भर भर के पीने पड़ेंगे, रेग माल से दिल के जंग उतारने पड़ेंगे, अपने नफ्स के खिलाफ करना पड़ेगा। नफ्स चाहे ये कर उसको रोक, नफ्स चाहे आज ये करना है उसको रोके, लगाम दे। आपको पता चले नफ्स आपकी लगाम में आता है या नहीं आता? घोड़ा बेलगाम हो जाए, आप सवारी कर रहे हैं, उतार के आपकी टांग तोड़ देता है, और नफ्स बेलगाम हो जाए तो आपका ईमान तोड़ देता है। तो नफ्स को काबू करना है, रूह को आजाद करना है, उसके जंग को उतारना है, बुरी खसलतों से निजात लेना है। आगाज तज़किया नफ्स।